ये है मेरी लास्ट चाय एंड यार इसके बाद हमारा हो जाएगा रूटीन स्टार्ट बहुत अच्छे आधा घंटा, उसके बाद हमारा कुछ पानी पी सकते नहा सकते एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 एंड आज होली है तो मिलते हैं उससे सबको वाइटी कमेटी वाइटी सुना को वाइटी होली एंड यार ध्यान से अच्छे कलर लगाओ यार कोई पक्के कलर मत लगाओ। एंड आज हो रही है जो अपना स्लैब है देख रहे हो पीछे में जस्ट तो अभी स्लैब जो है कॉन्क्रीट हो रहा है एंड यहाँ पर लगी है एंड तो हमारा जो आज था रोजा एंड रोजा वोजा हमारा फुल आज का कम्प्लीट हो चुका है एंड अभी तो हमारा ये काम कॉन्क्रीट का 4 बजे स्टार्ट हो गया था एंड देन ख़त्म होते कल सुबह 9 बजे ख़त्म होगा एंड अभी फिलहाल देखते हैं हम नीचे चलेंगे नीचे थोड़ा बहुत काम बचा है उसको करवाते हैं कंप्लीट नहीं तो फिर बाद में हमारी दिक्कत हो जाती है भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत चलती है एंड एक गरीब की ज़िंदगी में पता है क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है आप ये सब देख के समझ ही सकते हो ये सब चीज़ें एंड अभी चलते हैं तो नीचे थोड़ा बहुत काम बचा है उसको करवाते हैं एंड कम्प्लीट एंड मिलते हैं मैं आप थोड़ी देर बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ कितना काम रह गया कितना कुछ चलता पहले नीचे उसको आता है बस उन लोग मतलब मेरे साथ जितने दो साथी थे तो उनको मैं फाइनली खाना खाने के लिए भेज दिया क्योंकि थोड़ा सा बचा है कॉरिडोर मतलब जहाँ पे लॉबी एरिया होता है ना जहाँ से लोग मतलब फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो वो थोड़ा कॉन्क्रीट हो रहा है तो वहाँ पे मान लो लोग कम से ही होते हैं तो मैं अकेला यहाँ पे रखा हुआ हूँ उन दोनों को भेज दिया खाना खाने के लिए वो लोग आते हैं खाना खाने के बाद उसके बाद मैं जाऊँगा एंड इंजीनियर से ले लिया हमने टॉर्च क्योंकि भाई हमें चेक करना पड़ता है कहाँ पर कुछ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा एंड अभी फिलहाल वो लोग आएंगे खाना पीना पका के उसके बाद हम चलेंगे खाना खाने के लिए एंड कल रोज़ा है तो भाई मेरे जितने भी वाड़ी सेना है जितने भी मेरे मुस्लिम भाई है प्लीज़ रोज़ा का महीना चल रहा है एक ही महीना है यहाँ थोड़ी स्वाप जितने भी पाप वाप किए हैं सबको धुलो गाइस रोज़ा रखो रोज़ा रखना हमारे लिए बहुत फक्र की बात है एंड मेरे जितने भी वाड़ी सेना है मतलब वाड़ी सेना में मुस्लिम भाई है प्लीज़ यार मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है सब रोज़ा रखो एंड कल हमें रोज़ा रखना है तो जल्दी से जल्दी खा के आना पड़ेगा फजर के लिए भी खाना लाना पड़ेगा क्योंकि फजर में खा के हमें रोज़ा रखना पड़ेगा काम तो ख़त्म होते होते कल 9-10 बजे तक होगा तो वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं एंड अभी चलते हैं चेकिंग करते हैं क्योंकि उधर कॉन्क्रीट होने वाला है तो चेकिंग करवा के डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ रूम में जब हम खाना खाने के जाएंगे। फाइनली मैं खाना खा के आ चुका हूँ एंड अभी बज रहे हैं रात के 2 किस्मत के 2 बजे पड़े हैं गाइस यहाँ पे किस्मत के 2 एक मिनट में आपको हालत दिखाता हूँ देखो देख रहे हो क्या हुआ है बहनचोदियार ये लोग काम करते हैं कांड मरवाते हैं पता नहीं क्या करते हैं यार ये सब हमें झेलना पड़ता है गाइस अरे यार जिंदगी यहाँ पे काम कर कर के खत्म है जिंदगी यार इतना माल यहाँ पे निकला पड़ा है यार फ्लैट के अंदर एंड लॉबी में तो भाई पूछो ही मत हालत चेक करो एक बार यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने तो अभी आपको बाथरूम एंड टॉयलेट की हालत ही नहीं दिखाएगा वो दिखा दूंगा तो आप बोलोगे भाई साहब ये मिस्त्री के नाम पे कलंक है पेंचो ये सारे जितने हैं ना यार मुँह से इनके लिए गाली ही निकलेगी तभी यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड मैं अरे एंड मैंने जितना था यहाँ पे देख रहे हो पीछे का पूरा एकदम भर चुका है एंड अभी चलते हैं ऊपर थोड़ा काम बचा उसको करते हैं फिनिश नहीं तो वहाँ से भी निकलेगा एंड यहाँ पे पूरा एकदम ख़त्म अभी घूमने पीछे आए और मैंने फादर के लिए अपना नाश्ता लेकर आ चुका है क्योंकि हमें रखना है सुबह सुबह रोजा एंड आ चुके हैं सच पे बहुत गर्मी है गाइस नीचे हमने मुंह धो लिया एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 4:10 एंड अपना जो है इफ्तारी हो चुका है एंड 5 जितने मतलब मेरे भाई 5 बजे से मतलब स्टार्ट है मतलब 5 बजे के बाद आप ना पानी पी सकते हो ना कुछ एंड अभी नाश्ता वास्ता पूरा हो चुका है और अभी चलते हैं
बस यार अपना काम जो था नीचे का पैकिंग वो मतलब जो भी था वो ख़त्म हो चुका है एंड अभी चलते हैं डायरेक्टली छत के ऊपर। छत के ऊपर ही चलते मैं आपको दिखाता हूँ। बस आ चुके हैं छत के ऊपर फाइनली एंड यहाँ पे जस्ट बीच चल रही है कॉन्क्रीट एंड यार इसको ख़त्म करवाते हैं। 8-9 बज जाएंगे, 8-9 बजे के 8-9 बजे ख़त्म होने के बाद ही चलेंगे रूम। एंड अपना हो चुका है इफ्तारी एंड अपना रोज़ा हो चुका है स्टार्ट। 5 बजे स्टार्ट है, ऐसे अभी बज रहे हैं 4:30 एंड हालत देख रहे हो आँख वाँख की एकदम हालत ख़त्म हो रखी है। एंड अभी देखते हैं थोड़ा बहुत काम बचा है उसके बाद फिनिश, उसके बाद चलेंगे रूम। पूरे से एकदम नहा धोकर फ्रेश होकर सो जाएंगे एंड उठेंगे डायरेक्टली शाम के इफ्तार में। एंड इफ्तार ख़त्म करने के बाद ही गाइस जो अपना वर्क है वो तो कल होने वाला नहीं है क्योंकि कल है होली। एंड मेरे जितने भी भाई हैं वाइट सेना है सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। एंड अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड तो मिलते हैं कैसे ही प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तक स्टे सेफ एंड टेक केयर। और एक बात और यार सब कल प्यार से होली मनाना, देखो रंग अच्छे पक्के कच्चे यार ये सब होता है ना, तो ये सब चीज़ें हैं ना थोड़ी देख के। एंड मिलते हैं कैसे प्यारे से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।